चलो ठीक है, अभी अब सब आ गए हैं ना। अभी मैं लास्ट, अभी ये एंड होने दो, उसके बाद में मैं नई आईडी और नए पासवर्ड जनरेट करके देखता हूँ, अगर वो होता है तो उसी से ज्वाइन करना, ठीक है? चलो ठीक है। यहाँ तक हमने अभी क्या देखी थी, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स देख ली थी, है ना? तो उसमें हमने यहाँ पे टेम्परेरी मेथड देखी थी, परमानेंट मेथड देखी थी। परमानेंट मेथड में क्या चीज हो रही थी, दो ही चीज आ रही थी, और इसी में क्या हो रही थी, सर्जिकल मेथड भी आ रही थी ना। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर्जिकल मेथड भी आ रही थी, वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। ये ट्यूबेक्टॉमी, ये दोनों चीजें क्या थी, यहाँ पे परमानेंट मेथड और सर्जिकल मेथड के अंतर्गत आती है। जो बाकी मेथड है वो कैसी है, आर्टिफिशियल मेथड्स है और टेम्परेरी मेथड है, कि हम जब तक उनका यूज कर रहे हैं तब तक ही प्रेगनेंसी कंस्यूम नहीं होंगी, उसके बाद में जनरली प्रेगनेंसी कंस्यूम हो जाना है ना। हाँ बेटा, हो गया हो गया, अब इधर पढ़ाई पे ध्यान दो। हो गया, गुड मॉर्निंग, हो गया सबसे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे एमटीपी। एमटीपी का मतलब ये हो रहा था कि यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, चिकित्सीय रूप से हम प्रेगनेंसी को नष्ट कर रहे थे, तो वो क्या कहला रहा था, यहाँ पे एमटीपी कहला रहा था। इसके लिए कुछ कंडीशन थी कि जब अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पर जब कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हमने यूज करी लेकिन वो किसी किसी रीजन से वो वर्क नहीं कर पाई और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, उस टाइम में कर सकते हैं। रेप केस है तो उस टाइम में कर सकते हैं। जब मदर और बेबी दोनों की लाइफ के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, या दोनों की लाइफ में कोई दिक्कत आ सकती है, तो अब हम वहां पे एमटीपी का यूज करते हैं ना। और एमटीपी को में क्या कर रहे हैं, 20वें सप्ताह तक हम यहाँ पर उसको कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद में क्या होने लगता है, जो बेबी रहता है उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं वो सारे क्या वर्क करने लगते हैं, या वो धीरे धीरे फंक्शनिंग में आने लग जाते हैं। इसीलिए 20 सप्ताह के बाद में यहाँ पे प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं करवाया जाता है लीगली, ठीक है? अब यहाँ पर हमने एबॉर्शन बोला था, है ना। एबॉर्शन का मतलब क्या हो रहा था, कि जो प्रेगनेंसी है उसको रिमूव करना है ना, उसके लिए अलग अलग मेथड होती है। तो यहाँ पे बताया था कि एक क्या रहती है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रहती है ना, प्राकृतिक या स्वतः या गर्भपात रहता है। स्वतः गर्भपात में क्या चीज होती है, इसी को मिसकरेज भी बोलते हैं, वो यहाँ पर नहीं पूछते हैं इसीलिए वो मेंशन नहीं है ना। इससे पहले भी लेकिन बताया था क्या चीज हो रही, जब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जा रहा, बॉडी में हार्मोन वगैरह चेंज हो जा रहा है, बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ चेंज है, तो उस समय में अपने आप वो बेबी क्या हो जाता है, ऐसे किसी बायोलॉजिकल केमिकल या फिजिकल रीजन के कारण वो बेबी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मिसकरेज कहलाता है, या स्पॉन्टेनियस या स्वतः गर्भपात कहलाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ एमटीपी के अंतर्गत, तो एमटीपी के अंतर्गत में क्या चीज आता है, प्रेरित आता है, इसको इंड्यूस एबॉर्शन बोलते हैं, कि हम अपनी इच्छा से अबॉर्ट करवाते हैं। तो उसमें क्या चीज करा रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी वो जो एम्ब्रियो वगैरह बन रहा था, जो जाइगोट बन रहा था, उस मटेरियल को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी मेथड्स के द्वारा या किसी आर्टिफिशियल आर्टिकल्स की हेल्प के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं ना। ये एक को और ज्वाइन नहीं हो रहा है, ठीक है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या चीज कर रहे हैं, हम हार्मोन्स का यूज करते हैं। तो ये बताया था मेफिप्रिस्टोन, है ना, मेफिप्रिस्टोन हार्मोन द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, मतलब हम उसका इंजेक्शन रहता है वो लगा देते हैं, या अगर टेबलेट रहती है तो वो खा लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूटने लग जाती है, तो एंडोमेट्रियम टूटने लग जाती है, तो वो जो बेबी या वो जो एम्ब्रियो या जो अंदर यूट्रस के अंदर में जो मटेरियल डेवलप हो रहा था वो डेवलप, वो क्या होने लग जाएगा, बाहर आने लग जाएगा। लेकिन ये जो मेफिप्रिस्टोन है ये कब तक वर्क करती है, सिर्फ 9 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी के लिए ही यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है? एक इसको और ज्वाइन नहीं हो रहा था, ठीक है? 9 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को यहाँ पर हटा सकते हैं, क्योंकि तब तक क्या होता है, प्लेसेंटा का अच्छा सा डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, वो बॉडी के साथ में अच्छे से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ठीक है? उसके बाद ये वैक्यूम चूसन,
है ना, वैक्यूम एस्पिरेशन ES में बताया था, वो थ्री इडियट्स वाली मूवी वाला है ना, उसमें क्या करते हैं यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज, वो सक्शन कैथेटर बोलते हैं उसको, सक्शन कैथेटर का यूज करते हैं। कैथेटर का जहां पर भी एक चीज याद रखना, कैथेटर वर्ड आ रहा है मतलब कहीं पर भी क्या हो रहा है, कोई भी ट्यूब को हम बॉडी के अंदर में इंसर्ट करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे सक्शन कैथेटर, तो उससे हम क्या कर रहे हैं खींच लेते हैं, तो एक सक्शन ट्यूब रहती है उसको सर्विक्स के द्वारा अंदर यूट्रस में यूट्राइन कैविटी में डालते हैं, और जो भी मटेरियल रहता है उसको क्या करते हैं हम सक्शन के थ्रू खींच लेते हैं और हटा देते हैं ना। अगली चीज आती है सर्जिकल मेथड, तो सर्जिकल मेथड 16वें से 20वें सप्ताह तक हम कर सकते हैं, और इसमें क्या करते हैं डायलिटेशन और सक्शन करते हैं। डायलिटेशन पहले हम क्या करते हैं डायलेट करते हैं सर्विक्स वगैरह को, उसमें सर्जिकल आर्टिकल्स से इंसर्ट करते हैं, और वहां से जो जो भी मटेरियल वो बनते रहता है उसको सक्शन के थ्रू चिमटे से पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट्स मैंने डाले हुए ऑब्जेक्टिव के लिए, ये पिछले समय भी हमने यहाँ पे टिक करवाए थे, ये सारे याद रखना है ना कि MTP एक्ट कब लागू किया गया था, 1971 में। एक चीज और ये करना कि कब शुरू हुआ था वाली चीज आती है, या कब इसको बनाया जा रहा था, ऐसा कुछ अगर पूछते हैं तो हमेशा जो भी सन रहता है ना उससे 1 ईयर पहले कर दिया कर। जैसे यहाँ पे 1971 है MTP एक्ट लागू किया था, लेकिन इस पे वर्क कब से चालू हो गया था, जब 1970 चल रहा था, या उससे पहले से भी यहाँ पे क्या हो गया था उसके ऊपर वर्क चालू हो गए थे, है ना। तो इस तरह से हमें इसको सा याद रखना, कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च के कुछ टाइम पहले से ही क्या हो जा रहे थे, स्टार्ट हो जा रहे थे उनके ऊपर वर्क, कि उनको कैसे लागू वगैरह करना है ना। अब करो ठीक है, फिर MTP का मुख्य उद्देश्य क्या था, फीमेल फिटियोसाइट्स को रोकना, वो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, यहाँ पे लिख लो सारे लोग कोष्टक में, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है ना, क्योंकि वो एमनियोसिंथेसिस कर ले रहे थे या अल्ट्रासाउंड कर ले रहे थे, तो उससे हमको बेबी का पता चल जा रहा था कि वो किस क्या बेबी है, मेल बेबी है फीमेल बेबी है, तो उसको हम अबॉर्ट करवा दे रहे थे अगर गर्ल्स बेबी रह रहे थे, और गर्ल्स बेबी की जो किलिंग रहती है वो क्या कहलाती है यहाँ पे, फीमेल फिटियोसाइट्स कहलाती है ना, कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, अगली चीज है मातृ शिशु को जन्म को स्टील बर्थ, वही मृत शिशु मरे हुए बेबी जब बर्थ हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, स्टील बर्थ बोल रहे हैं ना। फिर यहाँ पर ये गायनेकोलॉजी वर्ड आता है, गायनेकोलॉजी का मतलब ये चीज होता है कि प्रेगनेंसी वाला जो ड्यूरेशन है, उस टाइम में जो प्रॉब्लम्स आ रही, जो केयर देना है, जो ट्रीटमेंट देना है, जिस भी तरह की हमको वहां को उसको फैसिलिटियां देना है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है यहाँ पे, मतलब ये सारी चीजें किसके अंतर्गत में आती है, गायनेकोलॉजी के अंतर्गत में आती है ना, गायनेकोलॉजी के। ठीक है, याद रहेंगी इतनी चीजें। बेटा याद रहेंगी? यस सर। यस सर। ठीक है, अगली चीज क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये यार ठीक है, ये अब अगला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या चीज बोला था, एक अच्छे गर्भ निरोधक के गुण। तो एक चीज याद रखो कि कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की कोई मेथड्स हो, या कोई भी मेडिसिन हम जो ले रहे हैं वो कैसी होना चाहिए, इसके लक्षण में याद रखो, तो सारी चीजें एक साथ में याद रहेंगी। अगर हम आगे चल के आता है कि क्या एंटीबायोटिक्स का यूज करना सही होता है, या एंटीबायोटिक्स कैसी होना चाहिए, एक अच्छी एंटीबायोटिक्स के गुण लिखो, तो वहां पर भी क्या है यही लक्षण आते हैं, यही कैरेक्टर्स वहां पर भी हमको यूज करना है, कि सस्ती होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, है ना, उसकी जो प्रयोग विधि है, जो यूज मेथड्स है वो भी बहुत ही इजी होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए जिसको हम कर ना पाए, है ना,
फिर उसके बाद अच्छी असरदार होना चाहिए, जल्दी असर करना चाहिए, बॉडी के ऊपर में कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाना चाहिए, कोई दूसरे ऑर्गन है उनके ऊपर में कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाना चाहिए। और जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स है, तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के लिए यहाँ पे अगर हम कोई कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स का यूज कर रहे हैं तो उसमें कैपुलेशन के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। ये कोई नया दिख रहा था, 1EC668 कौन है, नाम बता दो बेटा। कौन हो सर? स्वाति। स्वाति है, ठीक है सर। स्वाति हूँ। हाँ हाँ ठीक। यस सर। ठीक है, अगली चीज कि गर्भ निरोधक के प्रयोग के साइड इफेक्ट लिखिए। अब देखो, कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है तो मेडिसिन के लिए एक चीज याद रखो कि कोई भी क्यों ना हो, कोई भी मेडिसिन क्यों ना हो, उसके लगभग ये साइड इफेक्ट्स यहाँ पे कंफर्म ही रहते हैं कि क्या चीज हो रही है ना। तो जनरली हम मेडिसिन की बात करते हैं, हम मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो हम मेडिसिन वगैरह, अरे यार ये कौन है, करो Join। हाँ, हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होने लगता है, या तो हेडेक होने लगता है, या नोसिया जैसा फील होने लगता है, वॉमिटिंग वॉमिटिंग जैसे लगता है, लेकिन वॉमिटिंग आती नहीं है ना। उसके बाद में हमको स्किन पे रैसेस वगैरह आने लग जाते हैं ना, हो सकता है अल्सर वगैरह आ जाए, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आ जाए, तो ये जनरली मेडिसिन खाने पर आती है ना, प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर भी क्या चीज हो रही है, लगभग लगभग वैसे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रहे हैं, है ना। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या चीज हो रही है, नोसिया वॉमिटिंग होना ही है। क्यों, अब ये चीज क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, बॉडी के अंदर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण नोसिया वॉमिटिंग जैसे हमको लगता है ना। नोसिया का मतलब ये होता है कि वॉमिटिंग की फीलिंग आना, लेकिन वॉमिटिंग नहीं आती है, है ना, वॉमिटिंग की फीलिंग आना लेकिन वॉमिटिंग नहीं आती है, है ना। फिर पेट दर्द हो सकता है, जैसे हम डायफ्राम वगैरह इंसर्ट कर रहे हैं तो रुक रुक कर वही ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ना, और हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है कि बॉडी के अंदर हो सकता है कि सेल्स वगैरह ज्यादा ग्रोथ वगैरह करने लग जाए, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगली चीज, अनियमित महावारी या रक्त स्त्राव, है ना, मेंसन साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। क्यों हो रहे थे, अभी बताया था कि इसमें जो भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर रहे थे उसमें क्या हो रहा है कि हम हार्मोन्स का यूज करते हैं ना, हार्मोनल, और वो जो भी डिवाइस वगैरह भी यूज कर रहे हैं या कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर में हार्मोनों का लेवल चेंज कर देती है, जिसके कारण मेंसन साइकिल का जो रूटीन चल रहा था वो डिस्टर्ब हो सकता है, ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक, अगली चीज क्या आ रही है यहाँ पे, एसटीडी क्या है और रोगों के बारे में बताना है ना। ये हम पहले भी बताए हैं लेकिन अभी भी और थोड़ा सा देखेंगे, है ना। ठीक है, एसटीडी में क्या हो रही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आ रही, जो यहाँ सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आने के कारण क्या हो रहा है, वन पर्सन से अदर पर्सन तक फैल रही है, तो वो क्या कहला रही है यहाँ पे, एसटीडी कहला रही या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहला रही है ना। यहाँ पर एक शायद आगे क्वेश्चन मेंशन है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन, वो क्रॉस क्वेश्चन में ये पूछता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के ट्रीटमेंट से अच्छा प्रिवेंशन है ना, या नॉर्मली भी पूछता है कम्युनिकेबल डिसीज के लिए, संक्रामक रोगों के लिए पूछता है कि ट्रीटमेंट से अच्छा प्रिवेंशन है, कैसे समझाओ। तो कैसे कैसे रहता है ट्रीटमेंट से अच्छी उसकी रोकथाम या बचाव, कोई अपने वर्ड में बताओ, सिंपल से वर्ड में, ट्रीटमेंट अच्छा है या रोकथाम अच्छी है या बचाव अच्छा है, बता। बताओ, ट्रीटमेंट अच्छा है या बचाव अच्छा है। अच्छा, अभी की कंडीशन लेके चलो, अभी की कंडीशन लेके चलो, ये कोरोना वाली,
कोरोना का ट्रीटमेंट अच्छा है कि उससे बचाव अच्छा है? बचाव अच्छा है सर, है ना? क्यों अच्छा है? बचाव अच्छा है। क्यों अच्छा है बचाव? बचाव क्यों अच्छा है? थोड़ा सा सोच के बताओ, बचाव क्यों अच्छा है? बोलो भाई बोलो, बचाव क्यों अच्छा है? अपने वर्डों में बोलो ना, ऐसे चुप नहीं रहना है, जो भी पता है वो बोलना है, पता है ना? क्योंकि जो एक संक्रमण है ना वो दूसरे के दूसरे लोगों के संक्रमण होता है, इसलिए बचाव अच्छा है, हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, और फिर अगर ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे बचाव नहीं करेंगे तो वो तो फैलते ही जाएगा ना, इधर ट्रीटमेंट करते जाएंगे और वो फैलते जाएगा। हाँ हाँ सही, ठीक है, बचाव भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बचाव अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि कोई भी डिसीज हो रही है ना, कोई भी डिसीज हो रही है तो क्या चीज हो रही है कि हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रही है ना, तो बॉडी के सिस्टम्स का सिस्टम गड़बड़ हो रहा है ना। चलो अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं, पहले ट्रीटमेंट से चालू करते हैं क्योंकि हमको बचाव अच्छा बताना है ना। तो ट्रीटमेंट में क्या चीज हो रही, एक तो पैसा लगना है ना, बॉडी वीक होना है, बॉडी के जो ऑर्गन वगैरह है वो वीक होना है, बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होना है, अदर जो फैमिली मेंबर है वो डिस्टर्ब होना है, हमारा मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाना है ना। तो और मेन तो क्या होता है, इकोनॉमिकली हमारे पैसा खर्च होता है इसमें, है ना। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो हमारे बॉडी के सिस्टम क्या होने लगते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं, या जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके कारण कोई साइड इफेक्ट्स हो सकता है शरीर के ऊपर में, है ना। इसलिए ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, बचाव अच्छा है। बचाव इसीलिए अच्छा है कि अगर हम पहले से ही अगर सारी सावधानियां रखेंगे, हम पहले से ही अच्छे से रहेंगे तो क्या चीज होना है कि शरीर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। वो जो पैसा हमारा जो खर्च हो रहा था, वो पैसा भी कहाँ होना है, हमारी दूसरी चीजों में खर्च हो जाना है, हमारे कारण कोई दूसरा फैमिली मेंबर यहाँ पे परेशान नहीं होना है, तो ये चीजें होने लगना है ना। तो इसीलिए क्या है, बचाव अच्छा है। दूसरी चीज, ट्रीटमेंट के दौरान हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन को भी होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन बचाव के कारण क्या होना है, ये बिल्कुल नहीं होना है कि किसी दूसरे पर्सन, क्योंकि हमको ही नहीं हुआ है तो दूसरे को कहां से हुआ। तो वो जो कम्युनिकेबल डिसीज थी, वो जो एस्प्रेट हो रही थी, फैल रही थी, वो नहीं फैलना है, है ना, कोई दूसरे पर्सन तक नहीं जाना है। इसीलिए क्या होता है, बचाव अच्छा होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसी चीज पूछता है जो कहीं पे लिखी नहीं रहेगी, कहीं पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया रहेगा, लेकिन वो ऐसी जनरल चीजें पूछता है ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम एसटीडी की बात कर रहे थे। एसटीडी को ही क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, आरटीआई, इसका भी फुल फॉर्म यहाँ पर याद रखना। इसी को अगर यूरिनरी ट्रैक पे हो रहा है तो यूटीआई भी बोलते हैं, अगर सिर्फ यूरिनरी सिस्टम में हुआ है इन्फेक्शन तो उसको क्या बोलते हैं, यूटीआई बोलते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में हो सकता है कि यूटीआई भी हो जाए ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाए, कि यूरिनरी जो ट्रैक है उसके अंदर में अभी यहाँ पे जैसे अल्सर हो सकते हैं, कोई रेडनेस आ सकती है, पिंपल आ सकते हैं, मस्से बन सकते हैं ना, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है यूरिन पास करते टाइम, तो ये चीजें भी वहां पर भी होने के चांसेस रहते हैं एसटीडी में, है ना। ठीक है, सबसे पहले टाइम लिमिट खत्म होगी ना बेटा, तो सारे लोग 2 मिनट बाद ज्वाइन करना, है ना, थोड़े से देर बाद ज्वाइन करना, मैं नया आईडी पासवर्ड क्रिएट करूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर। अगली चीज है, मानव में यौन संचारी रोग तो सबसे पहले है वायरस से होने वाले, तो वायरस से होने वाले में क्या है, एड्स है, एचआईवी, और एचआईवी जो वायरस है वो रिट्रोवायरस है, इसी को क्या बोलते हैं, पश्च वायरस भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो बेटा, पश्च वायरस, है ना, रिट्रोवायरस को हिंदी में पश्च वायरस बोलते हैं, है ना। और एचआईवी का फुल फॉर्म तो पता ही है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना। ठीक है, किसके ऊपर में इफेक्ट कर रहा है, किस सिस्टम के ऊपर में, ये एसटीडी के अंदर में आता है तो ऐसा लगता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर में इफेक्ट कर रहा है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर में ये इफेक्ट नहीं करता है, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर करता है। और इम्यून सिस्टम में भी क्या करता है, जो लिम्फोसाइट सेल रहती है, लिम्फोसाइट सेल्स को क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है, जिसके कारण शरीर में क्या होता है, यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये क्या है, इम्यून सेल है ना,
ना, जो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह को नष्ट करने का कार्य करती है, ये उन्हीं को जाके सीधे नष्ट करने लग जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी कम हो जाना है, कोई भी संक्रमण हमको बार बार होने लगता है। अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो कम से कम 3 साल रहता है, 3 साल तक हमको इसके लक्षण यहाँ पे पता नहीं चलते। टेस्ट के लिए बताया था कि एलाइजा टेस्ट का वो यूज करते हैं, और एलाइजा टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर में डिपेंड करता है ना। उपचार यहाँ पे कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेते हैं। और अभी जो पुरानी जो चल रही थी वो क्या कहला रही थी, एआरटी कहला रही थी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, अभी जो चल रही वो क्या कहलाती है, हाईली एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, है ना। ठीक है, अगली चीज आती है जेनाइटल हर्पीस। हर्पीस सिंप्लेक्स के कारण होता है, क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसमें छाले आ जाते हैं और पेन होने लगता है। ट्रीटमेंट इसका भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, लीवर हार्ड होने लगता है, लीवर के ऊपर ये इफेक्ट करने लगता है। इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन है ना। और एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का यूज कर, देखो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी में क्या चीज होती है, दरअसल ये जो मेडिसिन रहती है उसमें क्या होता है, वो जो वायरस ग्रोथ कर रहा है उसकी ग्रोथ को कम कर देती है, नष्ट नहीं कर पाती है ना। फिर जेनाइटल वर्थ, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पेपिलोमा वायरस के कारण होना है, इसी को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी बोलते हैं, एचपीवी। इसमें क्या हो रहा है, जो वेजाइना है, जो एनस है और जो पेनिस है उसके ऊपर में छोटे मस्से या ट्यूमर जैसे फॉर्म होने लग जाते हैं, है ना। और इसको क्या कर सकते हैं हम, सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वहां ट्यूमर बन गया, कोई मस्से बन गए, तो हम उसको सर्जरी से हटा सकते हैं। तो ये थे वायरस से होने वाले। अगली चीज है यहाँ पे जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, बहुत ये जहाँ जहाँ स्टार बने हुए ये वाले बहुत अच्छे से याद रखना है ना। गोनोरिया, नाइजीरिया, गोनोरिया के कारण होता है, क्या चीज हो रही है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या होने लग जाना है, यहाँ पे सिक्रीशन होना है, पस जैसा सिक्रीशन होना है, पेन होने लग जाना है। और फिर यहाँ पर बैक्टीरिया है, तो सिंपल सा याद रखना एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और एंटीबायोटिक्स में ये पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये 4 एंटीबायोटिक्स हमेशा याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये 4 लगभग लगभग सब में दी जाती है ना। ठीक है, 4 मेडिसिन कन्फर्मली याद रखना है ना। और अगर पेनिसिलिन के लिए याद रखना है तो पेनिसिलिन में भी अलग अलग कैटेगरी आप बता सकते हो, पेनिसिलिन ए, पेनिसिलिन बी, पेनिसिलिन जी। ठीक है, ये 3 कैटेगरी पेनिसिलिन पे भी बता सकते हैं, है ना। ठीक है, अगली चीज आती है सिम्फ्लेक्स। यहाँ पे ट्रोपोनेमा पैलेडियम के कारण हो रहा है, क्या चीज हो रही है, इचिंग होने लग जाती है, छाले और अल्सर। अच्छा, ये छाले में मतलब क्या चीज हो रही है कि स्किन हट जाती है, ऊपर की जो एपिडर्मिस रहती है वो हट जाती है, म्यूकस लेयर हट जाती है। लेकिन अल्सर में क्या चीज होती है, वहां से वो जो वुंड बना है, वो जो घाव बना है, उससे क्या होना है, सिक्रीशन आने लगना है, ब्लड वगैरह बाहर आने लगना है ना, या नॉर्मल जो लिम्फ है वो वहां से बाहर आने लगता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, अल्सर कहलाती है। छाले का मतलब ये कि एपिडर्मिस और जो म्यूकस लेयर है वो वहां किसी प्लेस से या किसी ऑर्गन से हट गई है, तो वो छाला है। ठीक है, लेकिन जब उससे सिक्रीशन आने लगता है, जैसे ब्लड आने लग गया, उससे या फ्लूइड आने लग गया नॉर्मल, है ना, या और कोई दूसरा प्रकार का फ्लूइड आने लग गया, जैसे पस बन के वहां से बाहर आने लग गया, तो वो क्या कहला रहा है, अल्सर कहलाता है। ठीक है, मेडिसिन सेम वही है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है, नॉर्वेक्टिन है, है ना। फिर यहाँ पे क्लेमाइडिया, ये क्या है, कवक से होने वाले रोग है। अब क्या है यहाँ पे, ये क्लेमाइडोसिस क्या है, कवक से होने वाला रोग है ना। इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे खुजली होने लगती है, इचिंग हो रही है और वहां से सिक्रेशन आने लगता है। कवकों के लिए याद रखना कि जो भी यहाँ फंगाई के कारण जब भी कोई ऐसी डिसीज हो रही है तो उसमें क्या होने लगता है, सिक्रेशन आने लगता है ना। अगली चीज आ रही है ट्रोकोमोनियासिस, इसमें क्या हो रहा है, ट्रोकोमोनास वेजाइनलिस है, इसमें वेजाइना के ऊपर से में क्या होना है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाना है, रेडनेस आ जाना है और उससे सिक्रेशन आना है। यहाँ पे मेडिसिन में लेते हैं मैनिट्रोजॉल लेते हैं, वेनिडोजॉल लेते हैं। अब एक चीज और याद रखो, जैसे ये मार्जिन के ऊपर लिख लेना है ना, जहां पे भी इनवर्ड आया है ना, इन आया, इन आया मतलब क्या चीज हो गई है कि वो एंटीबायोटिक्स है
है ना, सीस वर्ड आया, SIS, सीस आया, मतलब किसी भी चीज का क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, किसी भी चीज का इन्फेक्शन हो गया है ना। और जहां पर भी ये जॉल आया है ना, जॉल आया मतलब वो वाली कौन सी मेडिसिन है जो भी प्रोटोजोआ वगैरह हो गए उनके लिए हो रही है ना, प्रोटोजोआ हो गए और जो ये फंगाई हो गए उनके लिए जो मेडिसिन रहती है उसके पीछे में जॉल जुड़ा हुआ रहता है ना, और मॉल जुड़ा हुआ रहता है, मॉल जुड़ा हुआ रहता है मतलब वो किसके लिए रहती है, फीवर के लिए। सामने का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन पीछे ये वर्ड्स आते हैं तो हमको याद रखना है, ठीक है। चलो अगली चीज आ रही है यहाँ, कैंडाइडिस आ रही, ये कैंडाइडिस एल्बिकेंस के कारण होती है। इसमें क्या हो रहा है, जो एनस है और जो वेजाइना है उसमें स्वेलिंग आ जाना है, इचिंग होना है और वहां से व्हाइट कलर का फ्लूइड का सिक्रीशन होने लग जाना है। एंटी फंगल यहाँ पे मेडिसिन लेते हैं, उसमें मोनोकोजॉल लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पे सिफेलिस है, यहाँ पे इसमें क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे खुजली हो रही है, कोई भी यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की एंटी फंगल्स ले सकते हैं, है ना। फिर फ्यूबिलाइस है, इसमें क्या हो रहा है, थ्यूरिया फ्यूबिलाइस के कारण हो रहा है ये, इचिंग होते रहती है, हल्का सा यहाँ पर रेडनेस भी आ जाती है, और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। यस सर ठीक है, ठीक है, सारे लोग दो मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैं नया आईडी नया पासवर्ड क्रिएट करके दे रहा हूँ। ओके सर। ठीक।